खेल विधेयक के नाम पर शुरू हुई राजनीति में सांसद अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस के द्वारा निशाना साधे जाने पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश भाजपा से प्रवक्ता नरेंद्र अत्री ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि आज खेल प्रेम के लिए कांग्रेस बहुत लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इससे पहले अपने कार्यकाल में तो कांग्रेस ने खेलों के विकास के लिए रोड़े ही अटकाए हैं। नरेंद्र अत्री ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अनुराग ठाकुर ने बतौर बीसीसीए अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश को नई पहचान दिलाई है, लेकिन कांग्रेसियों को ये सब हजम नहीं हो रहा है, जिसके चलते अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है। अत्री ने तंज कसते हुए कहा कि हमीरपुर सिंथेटिक ट्रैक में एक चौकीदार की व्यवस्था न करवाने वाले कांग्रेसी आज किस मुंह से खेलों को लेकर अपना प्रेम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिनको प्रदेश में खेलों का विकास हजम नहीं हुआ। जिस तरह आपने सांसद जी की बात करी, क्या ये पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व नहीं जानता कि श्री अनुराग ठाकुर जी ने बतौर एचपीसीए के अध्यक्ष न केवल हिमाचल धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मशाला हिमाचल की एक नई पहचान अपने स्टेडियम के माध्यम से दी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहां मैच होते हैं। धर्मशाला के अलावा हमीरपुर नदौन में, बिलासपुर लूणू में, ऊना में तीन जगह, शिमला में, कोटखाई में राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बना के खेलों का आधारभूत ढांचा पूरा किया है। यही नहीं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश के अंदर थी तो हमीरपुर में, धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया। और ये वही लोग हैं जो पिछले 5 वर्ष सत्ता में रहकर सिंथेटिक ट्रैक में एक चौकीदार की व्यवस्था नहीं कर पाए। 10 करोड़ रुपया जहां लगभग इन्वेस्ट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा तैयार हुई है, आप 5 वर्ष तक एक वहां चौकीदार तक नियुक्त नहीं कर पाए। आज आप जब सत्ता से बाहर हो गए तो आपको खेल प्रेम की और खेल के उत्थान की बात याद आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह आपके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। प्रदेश की जनता जानती है कि खेलों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा काम किया है और आगे भी करेगी।